Hello, children, welcome back to my channel. From today, I am going to start explaining the chapters of New Learning Composite Mathematics for class 5, which is the revised edition as per CBC guidelines. So, let's start with the word chapter 1, that is looking back. First chapter is chapter 1, looking back. In this chapter, we will revise what we have already learned in the previous class that is in class 4. So let's start. Our first topic is numeration and notation. First of all, the heading is given counting numbers. So the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on are called the counting numbers. वन से लेके जितने भी आगे तक नंबर हैं उन्हें कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स व्हेन ज़ीरो इज इंक्लूडेड इन द काउंटिंग नंबर्स देन द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स और जब काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो जीरो से ले आगे तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स कहे जाते हैं ओके नाउ न्यूमरल्स नेम और सिम्बल्स यूज टू रिप्रजेंट नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमरल्स जो भी नेम्स या सिम्बल्स यूज किए जाते हैं किसी भी नंबर को रिप्रजेंट करने के लिए उन्हें कहा जाता है न्यूमरल्स सो द डाइग्राम बिलो शोज होल नंबर्स फ्राम जीरो टू टेन ऑन अ नंबर लाइन ये जो डाइग्राम यहाँ पर है ये शो कर रहा है एक नंबर लाइन में नंबर लाइन पर जीरो से लेके टेन तक के नंबर्स को नाउ नेक्स्ट हैडिंग इज रिप्रजेंटेशन ऑफ नंबर्स जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं या यूज करते हैं उन नंबर्स को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट इज अबैकस सेकेंड इज प्लेस वैल्यू चार्ट एंड थर्ड इज एक्सप्लेन फॉर्म एक्स सॉरी एक्सपेंडेड फॉम ओके सो अबैकस इन अबैकस नंबर्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ बीड्स ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग और वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड अबैकस में हम नंबर्स को बीड्स की हेल्प से शो करते हैं जो कि हर प्लेस के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होते हैं ओके okay? जैसे वंस है वंस के लिए पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसमें जो भी नंबर हमें शो करना है उतने नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पर हम शो करेंगे तो अबैकस की हेल्प से नंबर को हम शो भी रिप्रेजेंट भी करते हैं और जो अबैकस में शो किए जाते हैं उनको हम रीड भी करते हैं सेकेंड इज़ प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट मीन्स जो वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड की प्लेस है उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं उसकी हेल्प से हम नंबर को रीड कर सकते हैं या दिए गए नंबर को शो कर सकते हैं जो भी नंबर हमें दिया है उसमें जो वंस की प्लेस पर होगा उसको वंस के नीचे जो टेंस की प्लेस पर होगा उसको टेंस के नीचे हंड्रेड की प्लेस पर जो होगा उसे हंड्रेड के कॉलम में और थाउजेंड की प्लेस पे जो हुआ उसे थाउजेंड के कॉलम में लिखेंगे देन एक्सपेंडेड फॉर्म अब जो नंबर जिस प्लेस पर है उसके अकॉर्डिंग uh, उसकी वैल्यू होती है वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसकी वैल्यू अलग रहेगी जो टेंस के प्लेस पर है जो हंड्रेड के प्लेस पर है, जो थाउजेंड के प्लेस पर है, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी एक ही नंबर अलग अगर अलग अलग प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ओके सपोज एट यहाँ पर वंस की प्लेस पर है तो एट है अगर वो टेंस की प्लेस पर होगा तो एटी हंड्रेड की प्लेस पर होगा तो एट हंड्रेड और थाउजेंड की प्लेस पर होगा तो एट थाउजेंड ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इंडिया में नंबर्स को जिस तरह से यूज़ करते हैं उसके लिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ होता है उसके बारे में मैं बताऊँ आपको इसमें थ्री पीरियड्स होते हैं वंस थाउजेंड्स एंड लैक्स वंस टेंस और हंड्रेड ये तीनों वंस पीरियड में आते हैं थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं लैक एंड टेन लैक्स लैक्स के पीरियड में आते हैं ओके वंस में वन टेंस में वन एंड वन जीरो हंड्रेड में वन एंड टू जीरो और इस तरह से एक एक डिजिट बढ़ती जाती है वंस में जो भी नंबर होगा वो केवल वन डिजिट का होगा टेंस में वन और वन ज़ीरो टू डिजिट्स हो जाएंगे हंड्रेड्स में वन जीरो ज़ीरो थ्री डिजिट्स थाउजेंड्स में वन ज़ीरो 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 फोर डिजिट्स टेन थाउजेंड में वन एंड फोर ज़ीरोज़ फ़ाइव डिजिट्स लैक्स में वन ज़ीरो एंड सॉरी वन एंड फाइव ज़ीरोज़ सिक्स डिजिट्स एंड टेन लैक में न एंड सिक्स जीरोज सेवन डिजिट्स द फर्स्ट थ्री डिजिट्स फ्रॉम द राइट मेक द वंस और द यूनिट पीरियड कोई भी नंबर अगर लिखा है उसमें से जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट थ्री डिजिट्स होंगी फ्रॉम द राइट राइट हैंड साइड से फर्स्ट थ्री डिजिट्स होंगी वो यूनिट या वंस का पीरियड वंस पीरियड कहलाती हैं द नेक्स्ट टू मेक्स द थाउजेंड्स पीरियड जो राइट हैंड साइड से थ्री नंबर्स के बाद थ्री डिजिट्स के बाद नेक्स्ट टू डिजिट्स होंगी वो थाउजेंड पीरियड को शो करती हैं एंड द नेक्स्ट टू मेक द लैक्स पीरियड और जो नेक्स्ट टू डिजिट्स होंगी वो लैक्स पीरियड को शो करती हैं ओके नाउ राइटिंग एंड रीडिंग नंबर्स वी राइट द न्यूमरल बाय लिविंग सम स्पेस और पुटिंग अ कॉमा बिटवीन ईच पीरियड वाइल रीडिंग अ नंबर द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर and the name of the period except the ones is read along with them। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो पीरियड्स के बीच में या तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं या कॉमा लगाते हैं ठीक है कोई भी नंबर लिखते समय या तो जो दो पीरियड्स हैं उनके बीच में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे या कॉमा लगाएंगे वाइल्ड रीडिंग अ नंबर और जब हम एक नंबर को रीड करते हैं पढ़ते हैं द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रीड टूगेदर तो डिजिट्स जो एक पीरियड की होती हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है एंड द नेम ऑफ द पीरियड इज रीड अलॉन्ग विद डेम और उस पीरियड का जो नेम है उसको उसके साथ पढ़ा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक नंबर है टू फाइव सिक्स थ्री फोर डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट थ्री डिजिट अलग होंगी और ये फोर्थ डिजिट अलग होगी तो इसके लिए या तो यहाँ स्पेस रख के हम नंबर को लिखेंगे या हम यहाँ पर कॉमा लगा कर लिखेंगे ठीक है और जब इसको रीड करेंगे तो टू थाउजेंड टू थाउजेंड ये थाउजेंड पीरियड का नेम और फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री ओके नाउ टू फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव डिजिट का नंबर है टू फोर अलग एंड फाइव सिक्स सेवन अलग फर्स्ट थ्री डिजिट बोला था मैंने राइट हैंड साइड से ये आ जाते हैं वंस पीरियड में इनको अलग लिखेंगे थोड़ा सा और जो हंड्रेड थाउजेंड्स uh, के पीरियड में है उनको थोड़ा अलग लिखेंगे दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे रीड करते समय इसको अलग पढ़ेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये एक साथ पढ़ा जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन नेक्स्ट इज अ सिक्स डिजिट नंबर सो फर्स्ट थ्री डिजिट वन्स पीरियड की नेक्स्ट टू डिजिट थाउजेंड्स पीरियड की एंड जो लास्ट सिक्स डिजिट बच जाती है वो हो गई लैक्स पीरियड की ओके okay? इसको आप लिखेंगे तो थ्री स्पेस सेवेंटी टू स्पेस फोर हंड्रेड नाइन्टी और कॉमा लगाकर अगर लिखेंगे तो थ्री कॉमा सेवेंटी टू कॉमा फोर हंड्रेड नाइन्टी पढ़ते समय थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड इसको एक साथ पढ़ेंगे फोर हंड्रेड नाइन्टी फोर हंड्रेड नाइन्टी ओके और जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं रीड करते हैं तो दो पीरियड्स के बीच में एंड का यूज़ नहीं करते थ्री लैक्स एंड सेवेंटी टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड नाइन्टी दिस इज़ द रोंग वे टू रीड अ नंबर ओके सही तरीका क्या है हम नंबर को पढ़ेंगे और उसके पीरियड को साथ में पढ़ेंगे एंड बीच में यूज़ नहीं करेंगे ओके okay? तो मैंने ये आज आपको एक्सप्लेन किया कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं और राइट करते हैं इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है सेल्फ प्रैक्टिस उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक मैंने जो आपको आज पढ़ाया है आप उसे रिवाइज़ करिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं सेल्फ़ प्रैक्टिस वन के साथ टिल देन बाय